ओम गुरु जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण मानको प्रणाम करुछि। प्रत्येक थर परी 600 वर्ष तले आगत भविष्य महापुरुषंकर मालिका शास्त्र को नै आमे माने आपण मानको विभिन्न प्रकार मत देउ। तो मालिका शास्त्र को नै आमर ए कार्यक्रम आज मालिका शास्त्र रे आपण मानको पई कौन महापुरुष आगत भविष्य करिसंती आ जहा भविष्य करिसंती ता गोटिए पर गोटिए सत्य होइ चलिछ। तेणु महापुरुष किभली भाव रे ठारगार रे लेखा को मालिका शास्त्र रखिसंती जा परवर्ती समय रे मध्य सत्य होइ छ। तेणु मालिका रे आमे मान नैछु एमिते एक पद को जो पद रे सत्यता आपण मान सुनि सल्ला पर कहिबे नाही प्रकृत रे मालिका वचन ठरु सत्य आ संसार भितर किछि नै। पर्वत शिखर फुटिबो कोइ अच्युत वचन टळिबो नै। तेणु महापुरुष लेखितले कहले एमिते एक समय आसीबो जो समय भितर कहले सर्वे हेबो एकाकार न रखिबे वेद विद्यार सार जाई फूल आलो जाई फूल अति मिथ्यावादी हेबे नर जाई फूल। एमिते एक समय आसीबो जो समय भितरे कहले सर्वे हेबे एकाकार न रखिबे वेद विद्या विचार लो जाई फूल अर्थात वेद विद्यार विचार आउ नथिबो। मनीष भितरे कली युगरे एठी वेद नाही वेदना बेसी लोकमानक भितरे आउ से वेद नथिबो। संसार भितरे धर्म को नै नानादि प्रकार थट्टा परिहास करिबे तत्सहित धर्म को नै नानादि प्रकार व्यंग चलिबो। एबे जगजननी माँ देवी दुर्गांकर पूजा चलिछ। माँ को नै केते प्रकार चलिछि आपण मान जानिछन्ति केते प्रकार कुरूप मेढ़ चलिछि ता ठीक नाही। माँ को किए जगजननी को किए केते प्रकार अंकित करुछि ता ठीक नाही। तेणुकरी मंच को नहीं शिव को नहीं गणेश को नहीं मंच में नानादि प्रकार व्यंग कराऊ आमे धर्मर भीरु ताली मारुचु। तेणुकर महापुरुष कहले एटी वेदर विचार रही ना धर्म को नहीं थट्टा परिहास लोक मैंने करेंगे तो सहित सर्वे हे बैकाकार अर्थात अति मिथ्यावादी हे नर अर्थात कली युगर मिथ्या को लोक मैंने आश्रय करेंगे। आउ महापुरुष शिशु अनंत कहती कहले मिछ को बोलती आमिष एथिरे प्राणी जानती नाश अर्थात संसार भितर जदि आमिष शब्द किसी थाए आमिष को मिथ्या बोली कहा जाए। मिथ्या हूँ आमिष अर्थात आपण जानते कली युग भितर एमती जगार बस कई कहबेनि उठ बोली एमती कथा कह कई कहबेनि झूठ बोली अर्थात जीवन भितर आपण मान चेष्टा करेंगे जो जगार बसवे कई कहबेनि एठ उठी जा एमती कथा कहबेनि कहे किए मिथ्यावादी। महापुरुष कहते एमती एक समय आसव कली युगर समस्त लोक मिथ्यावादी होजे छोट छोट कथा नानादि प्रकार मिछ कह पछेबे ना। तेणु महापुरुष कहते पुणी थे कहे नाना अन्याय को करी भोग खाई पुणी मारे ताली लो जाई फूल आलो जाई फूल सेटे से चंडी पड़ब पाड़ी जाई फूल। माँ को आविर्भाव जगजननी देवी दुर्गा पूजा उत्सव में आपण मान को एक कहार रक्षार कारण कौन आपण मैंने प्रतिमा को पूजा करु प्रति माँ रे श्रद्धा ना आउ जो दिन आम प्रति माँ रे श्रद्धा आसीज आउ प्रतिमा पूजार प्रकृत लाभ आम उठाई पार घरे माँ दुखरे पड़ी आउ गोटे बिवस्त्रा महिलाटे आज आम रास्ता कड़े देखुचु उलग्न माँ का पाखे शाढ़ी दि जाऊँ आम कौन निरीह माँ को खावा को देनु माँ पाखे पणा चली अर्थात संसार भितरे आम माटी पूजा अटकी जाइछु प्रकृत माँ पूजा कर शिखने आउ जो दिन प्रकृत मातृ प्रति मातृ जाति प्रति भक्ति हो प्रकृत देवी दुर्गा पूजा सार्थक हो कहार तात्पर्य कहीं कथा कहूँ आपण मानक महापुरुष कहले कहे नाना अन्याय को करी भोग खाई पुणी मारे ताली लो जाई फुल से चंडी पड़ब पाड़ी। तेणु माँ चंडी पाड़ी पड़ अर्थात जो जगजननी जहाँ को शास्त्र कहते चंडी में बड़ सुंदर भाव में कहुए ऐश्वर्य वचन शक्ति पराक्रम ए बच तत्स्वरूपा त्रयदात्री सा शक्ति परिकृतिता शक्तिर आवश्यक जीवन अच्छी आपण शक्ति साधना करती से ही शक्ति अन्याय मिथ्यावादी लोकंर क्षण हो चलो। तेणु महापुरुष संसार भितर धर्म को रक्षा करने आपण मान भगवत चिंतन करेंगे माँ को ध्यान करेंगे ना अन्याय अत्याचारी मानकर चंडी पाड़ी पड़ी बोली महापुरुष कौन तो आगको भविष्य में कौन कौन महापुरुष लिखिंट से कथा को शुणा कितु आज नुह आज समय हो जाए परवर्त समय भितर महापुरुष जहाँ लिखिंट गोटे पर गोटे सत्य हो तेणु आपण मानक प्रणाम करने सहित कह जय जगन्नाथ जय पंचशती।